तो अभी स्टेशन देखो पूरा खाली है, देख दो नाइट की ड्यूटी कैसी होती है देख लो भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। अभी मैं एक स्टेशन पर हूँ, देखिए पूरा स्टेशन खाली है। हमें आज नाइट में एलआर करने के लिए बोला गया है। मेरे दो एलआर हो गए हैं, पर ये तीसरा बस दो ही दूर का एलआर था, इसलिए तीसरे दूर का एलआर दिया गया है। एलआर क्या होता है? एलआर बोले तो रूट लर्निंग। नाइट की ड्यूटी कैसी होती है देख लो भाई। जहाँ कोई ना जाता है वहाँ हमें अपनी ट्रेन लेके जानी होती है। देख लो कोई ना है यहाँ पे, सब कुछ खाली है, ट्रेन भी खाली है, स्टेशन भी खाली है, बस कुत्ते भौंक रहे हैं और कुछ ना। पूरा अंधेरा हो रखा है, चल के पहले लाइट जलवाते हैं। रूट लर्निंग क्या है कि अगर मान लीजिए मैं गोरखपुर से लखनऊ साइड लेके जा रहा हूँ ट्रेन, तो मैं गोरखपुर से लखनऊ तक जाऊँगा किसी ट्रेन में, या तो गुड्स ट्रेन में या पैसेंजर ट्रेन में, इंजन में बैठ के। इंजन दूसरे लोग चलाएंगे, लोको पायलट और असिस्टेंट उसमें होंगे, मैं एक्स्ट्रा जाऊँगा और मैं इंजन में बैठ के बस ये देखूँगा कि वहाँ के ट्रैक्स कैसे हैं, यहाँ से लखनऊ तक कहाँ अपग्रेडियंट है, कहाँ डाउन ग्रेडियंट है, कहाँ सिग्नल कैसा है। कहीं कहीं क्या होता है, सिग्नल तो हमेशा लेफ्ट में ही होता है, पर कभी कभी दिखने की ना वजह से या किसी वजह से सिग्नल को जो है लेफ्ट से राइट कर दिया जाता है, तो वो हमें देखना होता है। कहाँ न्यूट्रल सेक्शन है, ये सारी चीज़ों की जानकारी पहले से होगी तो फिर दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। इसलिए हमें इंडिपेंडेंट ड्यूटी भेजने से पहले किसी भी नए रूट पर रूट लर्निंग कराया जाता है। अगर मैं रूट लर्निंग आम बोल भाषा में समझाऊँ आपके लिए, तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं अपने गांव में, तो आपको स्पीड ब्रेकर कहाँ है, कहाँ ऐसा कोई मोड़ है जहाँ पे कम दिखाई देता है, कोई सामने से गाड़ी आएगी तो नहीं दिखाई देगा, आपको पहले से अंदाजा होता है तो आप सचेत रहते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं नए गाँव चले गए, आपको पता ही नहीं कहाँ स्पीड ब्रेकर है, पूरे फुल स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया तो फिर ब्रेक दबाएंगे आप, अचानक से उसमें एक्सीडेंट होने की घटना हो सकती है, या फिर कोई ऐसा मोड़ मिल गया जहाँ पर आपको सामने से गाड़ी आती हुई ना दिखाई दे तो उसमें दिक्कत होती है। पर अपने गांव में जब आप चलाते हैं जहां आप पहले से जा चुके हैं तो वहां कोई दिक्कत ना होती। इसलिए रेलवे क्या है कि नए रूट पे भेजने से पहले रूट लर्निंग कराती है हर किसी को। इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिप्टी होने से पहले भी रूट लर्निंग होती है, उसके बाद ही आपको ट्रेन दिया जाता है इंडिपेंडेंट चलाने के लिए। तो हमारी रूट लर्निंग हुई थी, पर मुझे दो ही रूट की लर्निंग कराई गई थी, तो थोड़ा कम पड़ता था इनके लिए। फिर उन्होंने सोचा कि नए रूट पर इसको भेजते हैं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी दे सकें। खैर ये तो मजाक के तौर पे बोल रहा था मैं, बट रूट लर्निंग दी जाती है अगर नए रूट पे भी भेजा जाता है। इसलिए तो मान लो अगर मैं गोरखपुर से लखनऊ कभी नहीं गया और मुझे वो चाहते हैं कि मैं कोई ट्रेन लेकर उधर जाऊँ, तो पहले मुझे रूट लर्निंग देंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो वीडियो में बने रहिए। सिग्नल ग्रीन हुआ, ट्रेन चली 110 की स्पीड से, लाइन ट्रेनिंग करते हुए हम पहुँच गए अपने गंतव्य स्थान पर। फिर कुछ दूर पैदल चल के हम पहुंचे क्रू लॉबी। क्रू लॉबी में हमें डिप्टी ऑफ करना होता है, एक मशीन होती है CMS मशीन बोलते हैं उसको, उसमें हमें ऑफ करना होता है। क्रू लॉबी एक बार बाहर बाहर से दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए ये क्रू लॉबी है हमारा, यहां हमें साइन ऑफ ऑन करना होता है। ये बाहर से देखिए आप, बाहर से भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, पौधे वौधे लगा रखे हैं, बहुत सही बनाती है रेलवे, जो भी बनाती है बहुत सही बनाती है। डिप्टी ऑफ करके बाहर निकले, कुछ दूर गए स्टेशन से बाहर, तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठे, गाड़ी हमें लेके गई रनिंग रूम। रनिंग रूम पे मैंने एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद उसे जरूर देखे। तो हम रनिंग रूम गए, वहाँ रेस्ट किया, फिर सुबह की कॉल हुई, सुबह फिर आए स्टेशन पे, साइन ऑन किया, फिर लाइन ट्रेनिंग करते हुए वापस चलाया हेडक्वार्टर। लाइन ट्रेनिंग में अप एंड डाउन दोनों तरफ का लाइन ट्रेनिंग करना होता है, क्योंकि कई बार पटरियाँ अलग अलग होती हैं, एक ही ट्रैक पे हमेशा अप एंड डाउन की ट्रेनें नहीं चलती। चलिए अब फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ही जल्दी आने वाली है, LP के प्रिपरेशन के लेके हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी डिटेल में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो लोको पायलट जॉब से रिलेटेड और वीडियोज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।